तो यार रेडमी तो रेडमी है, अब रेडमी का नोट सीरीज में जब भी फोन लॉन्च करता है उस फोन को टक्कर देने के लिए मार्केट में कोई फोन नहीं आता है या फिर कोई फोन टक्कर नहीं दे पाता है। रेडमी नोट 7 देख लीजिए या फिर रेडमी नोट 8 देख लीजिए, अब ये दो फोन तो पुराना हो गया, अब रेडमी नोट 9 भी आने वाला है और इस फोन का डिजाइन रेडमी नोट 7 या फिर रेडमी नोट 8 से बहुत ही अलग होने वाला है। और रेडमी अपना नोट सीरीज में जब भी कोई फोन लॉन्च करता है उसका लुक और फीचर्स बहुत चेंज करता है और प्राइस लगभग सेम ही रखता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा Redmi Note 9 का लुक और डिजाइन कैसा होगा, ये लीक होके आ गया है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और साथ में बताऊंगा इस फोन का फीचर्स क्या क्या होने वाला है और ये फोन आपको इंडिया में कब देखने को मिलेगा। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार पहले हम लोग जब Redmi का नोट सीरीज में फोन खरीदता था तो हमें Xiaomi का लोगो देखने को मिलता था मोबाइल में, लेकिन अब हमें Redmi का लोगो देखने को मिलता है और ये Redmi नोट सीरीज के वजह से ही हुआ है। Redmi नोट सीरीज इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि Redmi को एक अलग से साफ ब्रांड बना दिया गया है और Redmi नोट 8 के बाद उसका सक्सेसर Redmi नोट 9 लाने वाला है और इस फोन का लुक डिजाइन सारे चीज निकल के आ गया है। एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि Redmi नोट 9 का ये फोटो है, आप देख सकते हैं, और Redmi नोट 9 कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें आपको ऊपर पंच होल देखने को मिल रहा है जो कि एक चंदन टीका की जैसा है, फुल व्यू डिस्प्ले है, इसका लुक बहुत ही अलग है। Redmi Note सीरीज में ऐसा फोन कभी लॉन्च नहीं हुआ है, जितना सारा फोन इससे पहले लॉन्च हुआ है पंच होल के साथ नहीं है, सारे फोन जो है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ है, लेकिन ये पहली बार नोट सीरीज में आपको पंच होल देखने को मिल जाएगा और भी काफी बेहतर फीचर्स आपको मैं बताने वाला हूं क्या क्या आपको मिलेगा। तो लुक जो है सामने से कुछ इस तरह से दिखेगा और बैक साइड में आपको क्वेड कैमरा का सेटअप हो मिल जाएगा और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और आपको ग्लास बैक पैनल जो मिलता है Redmi की तरफ से वो भी आपको मिल जाएगा, साथ में LED फ्लैश लाइट भी दिया जाएगा। तो लुक और डिजाइन बहुत ही अलग होने वाला है, Redmi Note 8 में जो देखने को मिला था वो आपको Redmi Note 9 में नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा चेंज किया जाएगा। अब फीचर्स की बात करते हैं तो इस मोबाइल में आपको स्नैपड्रैगन का एक प्रोसेसर दिया जाएगा जो कि स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर दिया जाएगा जो कि बहुत ही सुपर फास्ट और तगड़ा प्रोसेसर है। इसमें आप पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर आप फ्री फायर आराम से खेल सकते हैं मक्खन की तरह। तो एक बेहतर क्वालिटी का आपको प्रोसेसर इस फोन में दिया जाएगा। रैम और रोम की बात करें तो आपको 4GB और 64GB जो कि सबसे बेस्ट वेरिएंट है ये तो आपको इस मोबाइल में मिल ही जाएगा, साथ में आपको 6GB का भी एक अलग से वेरिएंट मिलेगा और उसमें आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज भी दिया जाएगा। तो दो कैटेगरी में आपको फोन मिलने वाला है। साथ में बात करते हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट आपको इस फोन में मिलेगा और साथ में OS जो मिलेगा वो MIUI का 11 वेरिएंट रहेगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में इस फोन में जो कैमरा दिया जाएगा वो बहुत अलग होने वाला है। Redmi Note 8 में आपको क्वेड कैमरा का सेटअप देखने को मिला था जिसमें प्राइमरी लेंस दिया गया था 48 मेगापिक्सल का, लेकिन Redmi Note 9 में आपको जो कैमरा दिया जाएगा वो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस रहेगा और क्वेड कैमरा का सेटअप रहेगा। तो Redmi Note 8 Pro में आपको जो सेंसर दिया गया था 64 मेगापिक्सल का वो नहीं मिलेगा, मतलब इस बार Redmi Note 9 में जो 64 मेगापिक्सल का सेंसर दिया जाएगा वो अलग सेंसर रहेगा, साथ में आपको LED फ्लैश लाइट भी मिल जाएगा। फ्रंट में बात करते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में, तो इस मोबाइल में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल सकता है जो कि पंच होल के साथ आता है जो कि एक बहुत ही बेहतर बात है और आपको सेल्फी में और रियर में दोनों में एक बेटर क्वालिटी का कैमरा मिलने वाला है। इसी के साथ देख लेते हैं इस फोन का डिस्प्ले, तो इस फोन में आपको 6.5 इंच से भी बड़ा आपको फुल HD रेजोल्यूशन वाला एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि पंच होल के साथ आएगा, तो एक बेहतर और बेटर क्वालिटी का आपको डिस्प्ले इस फोन में मिल जाएगा, साथ में गोरिल्ला ग्लास 6 का भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो भाई वाह क्या बात है, मतलब क्वालिटी जो रहेगा ना डिस्प्ले का वो फारू रहेगा। और इसी के साथ बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो 4000 से लेके 5000 mAh का अंदर इसका बैटरी mAh दिया जाएगा, साथ में आपको फास्ट चार्जिंग कंफर्म मिलेगा और आपको USB टाइप सी तो पक्का ही पक्का मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह का फोल्ड इस मोबाइल में आप निकाल ही नहीं पाएंगे। इसी के साथ बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स का, तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा नहीं पता, लेकिन 1 4G वोल्टी का तो आपको मिलेगा ही, 3.5mm का हेडफोन जैक मिलेगा और सारे सेंसर इस मोबाइल में दिया जाएगा। और इस मोबाइल में एक खामियां मुझे नजर आया कि इस मोबाइल में आपको शायद LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिले या फिर नहीं मिले, ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल है क्योंकि आपको इस फोन में फुल व्यू वाला डिस्प्ले दिया जा रहा है। अब Redmi कोशिश करेगा किधर भी चिपकाने का, लेकिन देखते हैं अब Redmi LED नोटिफिकेशन लाइट इस मोबाइल में देता है या फिर नहीं, अब देता है तो कहां पर देता है। तो ये फीचर्स रहेगा Redmi Note 9 में और Redmi Note 9 का
जो प्राइस होने वाला है वो लगभग 10,000 के आसपास ही रहेगा। तो प्राइस में ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, लेकिन फीचर्स और लुक और डिजाइन में बहुत सारा चेंजेस किया जाएगा। अब बात करते हैं फोन कब इंडिया में आएगा, तो ये फोन 2020 यानी 2020 का मिडिल में इंडिया में देखने को मिलेगा और चाइना में भी लॉन्च होगा। तो आपको क्या लगता है, ये फोन के लिए आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो लाइक करिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप चाहे तो वीडियो शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।